और रामपुर जिला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जनपद में कितने सक्रिय मरीज होंगे और किस तरह के अभी जाति चल रहे? आज जो आंकड़े आए हैं, आज 476 एक्टिव केसेस अब हमारे जनपद में हैं। जो आंकड़ा एक समय 1800-1850 के आसपास चला गया था, वो अब 476 पे सिमट गया है। और लगातार जो पिछले 5-6 दिन से जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं, वो जो नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो 40 से 50 के बीच में हैं। तो एक अच्छा साइन है, धीरे धीरे संक्रमण में कमी आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से हमने दस्तक अभियान फिर से अगले 6 दिन का प्रभावी अभियान शुरू किया है। प्रत्येक घर को हम लोग उसमें जाएंगे, वहाँ पे जाके लक्षणयुक्त व्यक्ति है उसकी पहचान करेंगे, उसको दवा उपलब्ध कराएंगे, उसका टेस्ट भी कराएंगे। तो इसी प्रकार जहाँ एक और शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में ये प्रोग्राम चल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस अभियान के माध्यम से दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार आह्वान कर रहे हैं। आज भी आपने विभिन्न मीडिया समूहों के माध्यम से देखा होगा कि विभिन्न हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने लोगों से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। 1 तारीख से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत व्यापक मात्रा में शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। आज भी हमने मीटिंग रखी है और मैं वही आह्वान करूँगा हमारे रामपुर के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। और तीसरा, कोरोना कर्फ्यू जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको लगातार आप लोग मीडिया बंधु भी उठाते रहते हैं, कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, तो ये 3 बिंदुओं पे लगातार हमको आगे भी ध्यान रखना है। जो पिछले फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान हमने जो गलतियाँ की थी, उन गलतियों को हमें फिर से नहीं दोहराना है। तो ये देखना शहर के नागरिकों का काम है और मैं आह्वान करूँगा हमारी जो वीर खालसा सेवा समिति, ऐसे सभी प्रकार के सामाजिक संस्थाओं से, कि ना केवल आप लोग क्यूरेटिव अप्रोच में अभी काम कर रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन अब हमें आगे आने वाले समय में प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ भी काम करना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति आने ही ना पाए। तो उसको लेकर हमें लगातार अभियान, जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे कि मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी शहर के लोग करें। सर, ये बताइए कि अगर होम आइसोलेशन है और अगर वो ऑक्सीजन लेना चाहता है, उसका क्या तरीका है? देखिए, ऑक्सीजन हेल्पलाइन हमारे ICCC में हमने बहुत पूर्व में स्थापित कर दी है। आप लोग लगातार उसको देख भी रहे होंगे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लगातार हमने और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने उसका प्रचार प्रसार किया है। और जितने ऐसे मरीज जिनको होम आइसोलेशन में वास्तव में आवश्यकता है ऑक्सीजन की, सबको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। उसका एक तय नियम है कि तीमारदार और जो मरीज है उनका आधार कार्ड उसमें आवश्यक है और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आवश्यक है। तो ये जब अगर कोई भी कागजी जो आवश्यकता है वो पूरी कर देता है, तो हम लोग उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और हम देख रहे हैं पुलिस भी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है जो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, कभी भी चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, हम किसी पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये महामारी ऐसी है कि इसमें व्यक्ति अगर खुद का ध्यान नहीं रखता है तो वो खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ साथ समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है और समाज के विरोध में काम कर रहा है। तो इसलिए हमारी अपील यही है कि चूंकि संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, संक्रमण विद्यमान है, तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक तो जब आवश्यक हो तभी घर से निकलना है, और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मैंने आपसे कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, और अपना जो हाथ बार बार आपको हर 20 सेकंड के लिए धोना है, तो ये चीज़ें लगातार हमें आगे भी अपने व्यवहार में रखनी होंगी, तब जाके हम संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। मेरा आखिरी सवाल, कोरोना वैक्सीन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर लगवाना चाहें और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हो, तो उसका फिर क्या तरीका हो, कैसे वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए हालिया सरकार ने व्यवस्था की है कि जितने हमारे जनसुविधा केंद्र हैं, जिनको अभी तक हमने 10 से 2 खोलने का निर्देश दिए थे, वो 5 बजे तक खोलने के निर्देश हमने दे दिए हैं। तो जनसुविधा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन उन लोगों का हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए जनसुविधा केंद्र पे ही ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जाता है। तो जनसुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। रामपुर जिला अधिकारी मौजूद थे रामपुर से, ईशान खान।